लाइन का मेंटेनेंस डिसिप्लिन के साथ करा था। पीछे वाला गर्ल्स बॉयज यहाँ आ जाओ, वहां में भूत नहीं है, इधर आओ। हेलो स्टूडेंट, वहाँ लंबा लाइन बनाना क्लास वाइज कराने करने से भी आप ही के लिए हो जाएगा। जहाँ जहाँ शॉर्ट है लाइन वहाँ ड्रॉइंग हो जाओ। लाइन सीधा करो, जितना भी पीछे गर्ल से ये साइड आ जाओ, इस साइड आ जाओ। गर्ल्स स्टूडेंट यहाँ लंबा लाइन बना हुआ है ना, आप लोग यहाँ जुड़ जाइए। आज के लिए क्लास स्किप नहीं होने से भी हो जाएगा, यहाँ में जुड़िए, लाइन में जुड़ जाइए। यहाँ में जो लाइन जो शॉर्ट है वहां में जुड़ जाइए, आप लंबा होके आप लोग खड़ा कर रहे हैं। Yes, students standing at the back. Come on, come again, yeah. Join here. Online or why is it becoming less? Sit down on line. Come forward, all standing at the back. Come forward. Again. Come again.
परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। Hello, good morning, students. Morning, sir. This morning, in our morning assembly, we have distinguished personalities to give you awareness for sitting in front of you. Sri Talapodongi, the Deputy Commissioner of Internal Capital Division, and then our SP, sir, he is also there, and then our DDC, ICI is also there, and then sitting next to him is Kipakeshati, our DPC of this district, and organizers of this drug abuse awareness program are here. So I, on behalf of this full family, would like to extend my warmest welcome to the team who have arrived here to give awareness to our students and the entire school family as well. Once again, my warmest welcome to you all, to the team of this awareness program. Thank you. Good morning, children. Good morning, children. Good morning, sir. Most respected Lalit DC, E.R. Talapotamji, ASP, sir. Learned DDAC sir, DPC sir, and learned teaching faculties of this institution. And most humbly, I thankful to vice principal of this school for arranging such a beautiful way. By not taking much time, let's start or proceed to our agenda. So that is, today actually we are here to give you awareness about the drugs. This is necessary because you are at a this wrong age. So I would like to request our ASP sir. Today we didn't have our appointed resource person. In place of our resource person, today we are using you as our resource person. So sir, you are requested to have delivered speech on the drugs abuse as a resource person. Please sir. Thank you so much. A very good morning to one and all. Most respected Sri Talapotam, IS. ICR, DGC sir, Principal of Government High Secondary School ESL Sector, Vice Principal sir, all the learning teachers and my dear friends. सबसे पहले अब बहुत लोग ने शायद आपको देखा होगा लास्ट टाइम जब यहाँ पे हम सशक्ति का कुछ प्रोग्राम चलाया था हमारे इंस्पेक्टर एस पी सर के इनिशिएटिव में. आपने देखा हमको पहले लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे. ओके, तो जिसने नहीं देखा है और जो मेरे बारे में नहीं जानता, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ. मेरा नाम सुतन जम्बा है
एंड आई एम द एडिशनल एसपी ऑफ आईसीआर। ठीक है, ओके। तो जैसे सर ने बताया कि आज रिसोर्स पर्सन के तौर पे हमको आपको डिलीवरेंस देना है, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं आपके सामने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। एज ए पुलिस ऑफिसर आई हैव सीन मेनी केसेस ऑफ ड्रग्स, तो मैं उस एक्सपीरियंस के द्वारा आई वुड लाइक टू आपको मैं बताना चाहूँगा कि ड्रग्स हमारे लिए कितना खराब है। ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए ड्रग्स तो आप सबको बारे में, यहाँ पे डीसी सर भी मुझे बता रहे थे कि बहुत ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह तो काफी हुआ है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग में से बहुत लोगों ने अटेंड भी किया होगा और आप लोगों को बहुत भी पता भी है। तो कितने लोग मानता है कि ड्रग्स खराब है हमारे लिए, हाथ उठाइए सब। ओके, 100%। तो 100% जितने भी हम यहाँ पे है सब मानते हैं कि ड्रग्स खराब है। ठीक है, तो टू बिगिन विथ मैं कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। इन माय प्रीवियस प्लेस ऑफ पोस्टिंग, जब मैं तेजू में था एज ए डीएसपी, तो मैं उसका और रेफरेंस लेते हुए मैं बात करना चाहूँगा। तो वहाँ पे एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। तो उसमें क्या था, एक मेरा ऑफिसर फ्रेंड था, काफ़ी सीनियर ऑफिसर फ्रेंड है, काफ़ी एजेड भी है और काफ़ी उसके सोसाइटी में नाम भी था उनका। ठीक है, मैं उसका नाम नहीं बताऊँगा और उसका डेजिग्नेशन नहीं बताऊँगा क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है। तो वो मेरा अच्छा फ्रेंड था एंड ही वॉज वेरी वेरी एक जेंटल आदमी था। तो एक बार क्या हुआ कि हमने, क्योंकि हम पुलिस वाला है तो कभी हमको जब इन्फॉर्मेशन मिलता है तो हमको अरेस्ट भी करना पड़ता है ना। तो हमको इन्फॉर्मेशन मिला था, वी वेंट टू दैट लोकेशन और हमने वो एक लड़का था शायद 18-19 ईयर्स का होगा, तो उनके हाथ से हमने ओपीएम, आपने सुना ओपीएम कहानी ना, सुना है ना, तो ओपीएम हमने उसके पोजीशन से सीज किया, उनके पोजीशन से काफ़ी हमने हेरोइन भी सीज किया, तो सीज करके अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करके जब हमने जेल में डाला था एज ए मतलब कॉलिंग लीगल प्रोसीजर, तो हमको पता चला कि वो जो ऑफिसर फ्रेंड है उनका बेटा है और हमको ये भी पता चला कि बेटा उनका एक ही बेटा है, एक लौता बेटा है। तो वो क्या करता था, क्योंकि उनका बेटा जेल में था अंदर में, तो बाप जो अपने पिता बाहर में आके सुबह लेके शाम तक बैठता था एक बेंच पे, एक टूटा सा बेंच है था हमारे पुलिस स्टेशन में, अभी तक याद है हमें। तो वहाँ पे सुबह से लेके शाम तक बैठता था वो, उसको पता है कि क्योंकि उनका बेटा से उनके अपोजिशन से काफी ड्रग्स सीज हुआ है, तो उसको तो छोड़ेगा नहीं पुलिस वाला और लीगली नहीं छोड़ सकता है, उनको पता है। फिर भी एक बाप होने के नाते, क्योंकि उन्होंने छोटा से उनको पाला है, बहुत प्यार से पाला था, बहुत क्लोज भी था अपना पिता से जिसको हमने अरेस्ट किया था। तो सुबह से आके शाम तक बैठता था, हमारा पुलिस स्टेशन का स्टाफ जो था वो सी लोग बोलता था कि सर आप जाइए घर जाइए, आप वहाँ पे आराम करिए, वो खाना भी नहीं खाता था, सुबह से शाम तक बैठता था और वो बोलने का हिम्मत भी नहीं होता था पुलिस वाला को कि सर इसको छोड़ दो, क्योंकि उनको पता था नहीं छोड़ेगा। तो ऐसा करके नेक्स्ट दिन मेरा पास भी आया, तो मेरा पास आया तो हमको तो डायरी भी पता है कि सर हमको तो पता है क्योंकि ड्रग्स में इंडिपेंस एक्ट में फंस गया है, वो तो नहीं छूटेगा। तो उन्होंने अपने बारे में काफ़ी पता है, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं जब से मैं सर्विस में आया था अभी तक मैंने सर्विस अपना जो भी पब्लिक है उनको सर्विस दिया है, मेरे बच्चों को भी हमने काफ़ी जितना हो सके अपना तरफ से मतलब उनको मतलब वो गाइड किया है, और मेरे पास प्रॉपर्टी भी काफ़ी है। उन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला मेरे पास पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, जमीन है, सब कुछ है, लेकिन जो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो एसेट था, जो मेरा बेटा था, इकलौता बेटा है, वही बिगड़ा हुआ है, वही ड्रग्स के इसमें लत में पड़ा हुआ है, तो मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं बचा। वो बोला कि मेरे लिए जिंदगी में कुछ भी नहीं है, अभी एक जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट था मेरे लाइफ में जो इकलौता बेटा, वो तो ड्रग्स में चला गया है ना। तो लाइफ में देखिए आप सब तो जानते हैं कि ड्रग्स तो बहुत ही खराब है, सब जगह हम सबसे सुन के आया है, तो आपके दिमाग में भी होगा कि ड्रग्स क्यों खराब है, क्यों खराब है, कोई बता सकता है हमको, कोई भी ठीक है। तो हम ही जो हमको जो समझ में आता है ड्रग्स क्यों खराब है हम आपको शेयर करें। ठीक है, देखिए ड्रग्स जो ऐसा है, क्योंकि आप देखो हम यहाँ पे जब गेट में घुसा था तो आपके यहाँ पे लिखा था कि टोबैको फ्री जोन है करके, जो देख के बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई होप कि सही में हमें टोबैको फ्री ही होना चाहिए, लेकिन टोबैको हो गया, अब टोबैको भी लत लग जाता है, आपको दारू का भी लत लग जाता है, लेकिन ड्रग्स में क्या खराबी है, जो हम लोग बोलते हैं कि ड्रग्स तो अगर आपके हाथ से मिलेगा तो आप जेल में जाएगा,
आपको पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा, कोर्ट में आपको कन्विक्शन होगा, क्यों बोलता है, क्यों इतना खराब है। और आपने सुना भी होगा बहुत सारा फॉरेन कंट्रीज में, खास करके सिंगापुर जैसा छोटा देश, वहां पे तो डेथ सेंटेंस है। अगर आपके पोजीशन से कुछ अमाउंट वहां पे दिया हुआ, कुछ 5 ग्राम से आई एम नॉट श्योर, बट कुछ अमाउंट अगर आपके हाथ से पोजीशन से मिलता है तो आपको डेथ सेंटेंस मिलेगा, आपको मतलब फांसी का सजा दिया जाएगा। ठीक है, इंडिया में भी इस तरह का तो नहीं है, पर फांसी का सजा तो आप जब NDPS बोल के हम लोग अलग ही हो जाता है तभी जाकर डेथ सेंटेंस मिलेगा, लेकिन इंडिया में भी काफी इसका जो पेनल्टी है वो स्ट्रिक्ट है। तो क्यों है, दारू तो पीता है, दारू का भी लत लगता है, दारू का भी रिहैब सेंटर होता है, सिगरेट वगैरह पीता है, कोई पान वगैरह खाता है, लेकिन ड्रग्स में ऐसा क्या है, कोई बता सकता है ड्रग्स में ऐसा क्या है जो हम लोग बोलते हैं कि ड्रग्स नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए हम शॉर्ट इन शॉर्ट मैं बताना चाहूंगा कि ड्रग्स जो ना आपको पूरा खोखला बना देगा, आपको खोखला बना देगा, आपका फैमिली को खोखला बना देगा, सोसाइटी को और नेशन को एज अ होल पूरा खोखला बना देगा। हम सिंगापुर का आपको एग्जाम्पल दे रहा था, सिंगापुर में एक छोटा सा देश है, एक सिटी है जो शहर है, कंट्री बन गया, तो उनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास में कुछ नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है, जैसे कि तेल वगैरह हो गया, उनके वहाँ पे कल्टीवेशन वगैरह नहीं होता, एग्रीकल्चर वगैरह नहीं होता है, उनके पास में हाइड्रो पावर नहीं है जो हमारे पास में है, तो उनके पास कुछ नहीं, उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है ह्यूमन रिसोर्स, है ना, आप भी ह्यूमन है, हम भी ह्यूमन है, आप जब मेहनत करेगा, आप कुछ इनोवेटिव आइडियाज आएगा तब तो जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा, लेकिन वो चीज जब ह्यूमन ही बिगड़ा होगा, वो भी अंदर से खोखला होगा, तो आप देश को क्या करेगा। आप एक ड्रग एडिक्ट बनने से अपना फैमिली पे बोझ बन जाएगा, एक सोसाइटी में बोझ बन जाएगा, पूरे देश का जो बोझ बन जाएगा, आप सुबह से लेके शाम तक दिन रात उसमें मतलब ड्रग्स लेके एकदम मस्त रहेगा, आपने मस्त है, लेकिन हमारे लिए तो वो एक बोझ है कि नहीं, एक जिंदा लाश है। ठीक है, तो देखिए आप ड्रग्स तो बहुत तरह का है, बहुत तरह का, इसमें हम नहीं जाएगा, वो टेक्निकलिटीज है इसमें, लेकिन आपके आप जैसे जो यूथ है आज काफी यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिल रहा है, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल हमारे स्कूल जो एडमिनिस्ट्रेशन है एंड हमारे डीसी सर को कि कल मुझे याद किया और आपके सामने आने का मौका दिया। तो देखिए आप लोग का जो एज है ना काफी वल्नरेबल है, वल्नरेबल इन द सेंस कि आपका एज में ही ये सबका लत लग सकता है ना, जैसे कि हम जब देखता है यहाँ पे तो हम लोग बहुत तो ड्रग एडिक्ट को पकड़ता है, ड्रग कंज्यूमर को पकड़ता है, ड्रग पेडलर को पकड़ता है, आपके एज का भी होता है, काफी पूरा मेजर एज का भी होता है, तो हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर जो लोग ड्रग लगता है या पेंडिंग करता है ये एज से शुरू होता है, जो आप जिस एज से आप गुजर रहे हैं, तो बहुत वल्नरेबल एज है, क्योंकि आपके दिमाग में अभी क्यूरियोसिटी होता है ना, कुछ नया चीज करने का वो जो एक क्यूरियोसिटी होता है ये एज में होता है। आपको दोस्त कोई ले रहा होगा तो आपका फ्रेंड बोलेगा कि दोस्त एक बार ट्राई करो ना, आप एक बार मना करेगा नहीं, दो बार मना करेगा, तो बाद में आप सोचते हैं कि चलो हम एक बार ट्राई कर ही लेगा, तो वहां से शुरू होता है ना। हमने यहाँ पे देखा है खास करके कि जब हम ड्रग एडिक्ट को पकड़ता है तो उसका बहुत सारा रीजन होता है ना, कि किसी का फैमिली में प्रॉब्लम है, कोई नया चीज अपनाना चाहता था, एक्सपीरियंस करना चाहता था, जो भी रिजल्ट है, लेकिन आपका एज में बहुत ही जरूरत ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कितना हानिकारक है ना। और अगर आप में से कोई दोस्त है, आपको कोई दोस्त है आस पड़ोस में कोई है तो हमको बताना है, पुलिस वाला को बताना है, किसी को भी जो भी यहाँ पे हमारे आज यहाँ पे बैठा है, आपको टीचर्स को बताइए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का जो डीसी साहब को भी बताइए, हमारा तो इनफैक्ट हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आज मैं बाद में जाते जाते एक हेल्पलाइन नंबर भी आपको देके जाऊंगा, हमारा एक एंटी ड्रग्स कॉर्नर है जिसमें अगर आपके पास में कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये लड़का ये लड़की ये दोस्त ये बहन भाई ड्रग्स का सेवन करता है तो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो उसका बेसिस में हम हमारे जो डीसी सर आज यहाँ पे बैठे हुए हैं उनके मदद से हम सब कलेक्टिवली मिल के उनको वो चीज से बाहर निकालने का भी कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ड्रग्स पीने से ऐसे लोगों को लगता है कि ड्रग्स पी रहे मेरा ही नुकसान है, ऐसा नहीं है, सबका नुकसान है, ड्रग्स पीने की वजह से ही क्राइम भी बढ़ता है,
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा बहुत चोरी होता है, कोई गैस सिलेंडर उठा लेता है, कोई अपना घर से ही चोरी कर लेता है, कोई बाइक चोरी करता है। तो ज्यादातर ये चोर लोग, सब चोर नहीं, ज्यादातर चोर लोग का क्या जरूरत होता है, ड्रग्स का जरूरत होता है और एडिक्ट है, उनको पैसा का जरूरत पड़ता है तो वो चोरी में उतर आता है ना। और क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं तो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, जो जो लेडीज है क्योंकि वो